मजलिस की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज और नामपली इंचार्ज माजिद हुसैन और दिगर ने मिलकर हुदा कॉलोनी आसिफ नगर में एक मीटिंग में शिरकत की, जिसमें आने वाले इंतखाबात को लेकर गुफ्तगुशनीद की गई। इस मीटिंग में आवाम ने भी शिरकत की। कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें बुलाया है, नबी पे मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब ने और हबीब पे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे इस हलफे की जिम्मेदारी दोबारा जो दी है। अल्लाह के फजल करम से दोबारा इस हलफे का खिदमत का जो मौका दिया है, मैं सदर मजलिस और हबीब पे मिल्लत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत भी आपने मुझे जिस अंदाज से पिछले टेन्योर के अंदर साथ दिया था, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आप लोगों का पूरा साथ रहेगा। खास तौर से ये जो एरिया हुदा कॉलोनी है, मेरे जब जीत के आने के वक्त यहाँ के जो मेजर मसाइल थे, जिसके अंदर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था, वाटर वर्क्स का मसला था, पानी की बड़ी तकलीफ थी, रजनी मैडम भी काफ़ी दिलचस्पी लिया इसके अंदर। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक प्राइवेट बोरिंग भी करवाया था और यहाँ पर एक टैंकी भी लगाए थे। तो आज मगर अल्लाह का करम यह है कि यह वाटर लाइन की हो, ये पाइपलाइन डालने का मेन मकसद यह था कि यहाँ की आवाम को यहाँ पर ये तमाम चीज़ों की दुश्वारी हो रही थी, तो अब ये काम तकरीबन मुकम्मिल होने को आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर पूरी रोड डाली जाएगी, उसका ऑलरेडी एस्टिमेट बन चुका है। मगर इलेक्शन क्योंकि अचानक असेंबली डिसॉल्व होने से इलेक्शन